4 करोड़ रुपए की ये योजना अति पिछड़े आदिवासी भाई बहनों की जिंदगी बदल रही है। विकसित भारत वाली मोदी की गारंटी की गाड़ी कहां से शुरू हुई? यहां झारखंड के खूंटी से। और इसलिए ही तो मैं कहता हूं, झारखंड और भाजपा का दिल का नाता है दिल का, और मेरे लिए दिल्ली से बढ़कर ये दिल का नाता है झारखंड का। और इसलिए आज झारखंड हर कोने में विश्वास के साथ, उमंग के साथ, उत्साह के साथ एक ही बात कह रहा है, फिर एक बार। साथियों, सिंहभूम और झारखंड की धरती आदिवासी क्रांतिकारियों की धरती है, लेकिन कांग्रेस ने आदिवासियों के बलिदान को कभी सम्मान नहीं दिया। कांग्रेस आजादी का पूरा श्रेय केवल एक परिवार को देना चाहती है। ये भाजपा है जिसने भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को एक और पहचान दी। हमने इस दिन को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की शुरुआत की है। देश के कोने कोने में भगवान बिरसा मुंडा का जयगान शुरू किया है। मैंने खुद रांची में भगवान बिरसा मुंडा के बलिदान स्थल पर म्यूजियम का लोकार्पण किया है। हम देश भर में आदिवासी गौरव के लिए जनजातीय म्यूजियम बना रहे हैं, लेकिन साथियों, कांग्रेस और उसके साथी क्या कहते हैं ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। कांग्रेस को आदिवासी इतिहास का सम्मान पसंद नहीं है। वो आप जनजातीय समाज के लोगों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। साथियों, देश की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी पहले झारखंड की ही राज्यपाल थी, याद है ना? कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने एक आदिवासी महिला को भारत के राष्ट्रपति बनाने का घोर विरोध किया। आदिवासी महिला भी देश के सर्वोच्च पद पर बैठ सकती है, इस बात को पचा नहीं पा रहे थे। साथियों, झारखंड के जल, जंगल, जमीन पर हमारे आदिवासी भाई बहनों का अधिकार है, लेकिन जेएमएम
और कांग्रेस इसे अपनी जागीर समझते हैं। तभी तो झारखंड के हर संसाधन की खुली लूट चल रही है। इतना बड़ा शराब घोटाला यहां की झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने किया। पूरे राज्य के खान खनिज को, बालू को अवैध खनन कर लूटा जा रहा है और पार्टी के छुटभैया नेता से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री तक सबके सब इसमें जुटे हैं। उनके इलाके में ही सैकड़ों करोड़ रुपयों के अवैध खनन घोटाला हुआ है और ये लोग इतने पर ही नहीं रुके। इन्होंने आदिवासियों की जमीनें लूटने के बाद हमारे देश की सेना की जमीन पर भी आंख गड़ा कर रखी है। इतना बड़ा जमीन घोटाला जेएमएम के लोगों ने किया है। कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मिलकर झारखंड के मान सम्मान को चोट पहुंचाई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां नौजवानों से पूछना चाहता हूं, मैं मेरी माताओं बहनों से पूछना चाहता हूं, क्या झारखंड को लूटने वाले को आप इन्हें माफ कर देंगे क्या? माफ करेंगे क्या? माफ करेंगे क्या? साथियों, कांग्रेस और जेएमएम में बहुत बड़ी रेस चल रही है, लूट करने की रेस, भ्रष्टाचार करने की रेस। यहां कांग्रेसी सांसद के ठिकाने से 300 करोड़ रुपए नगद बरामद हुए। 300 करोड़ से ज्यादा केवल कैश नगद। और आपने देखा होगा बैंकों से नोटे गिनने के लिए मशीनें लानी पड़ी और मशीनें हांफती थी नोटे गिनते गिनते। थक जाती थी। झारखंड को लूटने की रेस कहां कहां तक पहुंच गई है? भाइयों बहनों, आप मुझे जवाब दीजिए, ये जो लूट का पैसा निकल रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये पैसा किसका है? ये पैसा किसका है? ये पैसा किसका है? ये पैसा, ये संपत्ति, ये मेरे झारखंड के गांव, गरीब, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, ये आपका पैसा है। ये आपके पैसे की लूट है कि नहीं है? ये आपके पैसे की लूट है कि नहीं है? भाइयों बहनों, कांग्रेस और जेएमएम आपसे किस मुंह से वोट मांगने आते हैं? ये कितने बेशरम है। लूट में पकड़े जाते हैं पर परवाह नहीं है। अब उनको दिल्ली में सरकार क्यों बनानी है?
क्या आपका भला करने के लिए सरकार बनानी है क्या? क्या देश के नौजवानों का भविष्य बनाने के लिए सरकार बनानी है क्या? क्या ये दिल्ली में सरकार बनाकर ये पूरे देश में बेलगाम लूट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? 2014 के पहले भी इस देश को लूटने के सिवाय इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। साथियों, इंडी गठबंधन ने झारखंड के साथ सबसे बड़ा धोखा किया है। जिस आरजेडी ने अलग झारखंड का सबसे ज्यादा विरोध किया, जिस नेता ने यहां सबसे ज्यादा अत्याचार किए, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा उन्हीं की गोद में जाकर के बैठ गया है, उनके साथ गठबंधन किया है। जो इंडी गठबंधन बिहार में जंगल राज लाया था, वही जंगल राज ये लोग झारखंड में और ज्यादा फैलाने में लगे हुए हैं। अब तो आए दिन यहां व्यापारियों को फिरौती के लिए फोन आते हैं, अपराधियों को सीधे सरकार से संरक्षण मिल रहा है। इनकी सरकार में आदिवासियों की सरेआम हत्या होती है। ये आदिवासी समाज में अपराधियों का डर कायम रखना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, झारखंड को भ्रष्टाचार और जंगल राज की आग में झोंकने वाले को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? आपका हक लूटने वालों को सजा देने के लिए देश को आपके आशीर्वाद की जरूरत है। साथियों, एक और आदिवासी विरोधी मानसिकता वाली कांग्रेस है, दूसरी ओर हमारे लिए आदिवासियों का विकास पहली प्राथमिकता है। आदिवासी समाज के विकास के लिए सबसे पहले अलग जनजातीय मंत्रालय किसने बनाया? बीजेपी ने। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहली बार जनजातीय समाज के लिए अलग मंत्रालय बनाया, अलग बजट बनाया, तब जाकर के हमारे जनजातीय क्षेत्रों में आज विकास प्रारंभ हुआ। जनजातीय समाज के युवाओं के लिए आज बड़ी संख्या में एकलव्य आवासीय स्कूल कौन बनवा रहा है? बीजेपी। यहां भी एकलव्य विद्यालय का निर्माण तेजी से हो रहा है। आपने देखा होगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, इसमें स्थानीय भाषाओं, जनजातीय भाषाओं में शिक्षा देने का फैसला किया तो ये बीजेपी ने किया। आप मुझे बताइए भाई, क्या हमारे जनजातीय बेटे बेटी डॉक्टर बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? जरा पूरी ताकत से जवाब दो।
हमारे जनजातीय परिवारों के बेटे डॉक्टर बनने चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, हमारी बेटियां डॉक्टर बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, वो इंजीनियर बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, वो वैज्ञानिक बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए। लेकिन इन्होंने तो हालत ऐसी रखी थी कि अगर आपको अंग्रेजी नहीं आता है तो आप पढ़ाई भी नहीं कर सकते हो, डॉक्टर की बात छोड़ दो। गरीब का बेटा, गरीब की बेटी अंग्रेजी पढ़ने के लिए शहर में कहां जाएंगे, खर्चा कहां से लाएंगे? लेकिन ये आपका भाई, ये आपका बेटा दिल्ली में बैठा है, वो आपका दर्द जानता है। और इसलिए मैंने कहा, अरे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वैज्ञानिक हो, वो अपनी मातृभाषा में पढ़ेगा तो भी डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वैज्ञानिक बनेगा। जनजातीय युवाओं को खेलों में आगे बढ़ाने का काम आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और उसका सबसे बड़ा लाभ मेरे वीर बेटे बेटी जो जनजातीय समाज से आते हैं वो आज देश का नाम रोशन कर रहे हैं। कांग्रेस ने तो आदिवासी इलाकों को अपने हाल पर छोड़ दिया था, आकांक्षी जिला योजना से, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से आदिवासी जिलों का विकास आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बीते 10 वर्षों में बीजेपी सरकार ने वो काम करके दिए हैं जिनका जनजातीय समाज को 6 दशकों से इंतजार था। भाइयों और बहनों, हमारे आदिवासी समाज में सिकल सेल एनीमिया ये बहुत बड़ी खतरनाक बीमारी होती है। पहले किसी भी सरकार ने इसकी चिंता नहीं की, हमारी सरकार ने सिकल सेल एनीमिया के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाया है। चाईबासा में हमारी सरकार मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी करा रही है। अब यहां के लोगों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, और यहीं के बच्चे यहीं से डॉक्टर बन के निकलेंगे। साथियों, 10 वर्षों ने मोदी ने आदिवासी भाई बहनों के लिए मकान, बिजली, पानी और सिलेंडर जैसी सुविधाएं दी। हमारे प्रयासों से झारखंड में 18 लाख परिवारों को पक्के मकान मिले हैं, 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को हर महीने मुफ्त राशन मिल रहा है, ताकि गरीब के घर का चूल्हा कभी बुझना नहीं चाहिए, गरीब का बच्चा कभी भूखा सोने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए। करीब 33 लाख घरों को पानी का कनेक्शन दिया गया है। मोदी का प्रयास है कि गरीब, आदिवासी, हमारी महिलाओं का सामर्थ्य बढ़े, वो आगे बढ़े। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस आपकी संपत्ति पर डाका डालना चाहती है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि वो सरकार में आएगी तो देश में सबकी संपत्ति की जांच कराएगी, चोरों की संपत्ति की जांच कराने का विरोध करते हैं और नागरिकों की संपत्ति की जांच करवाएंगे।
आपके पास चांदी कितनी है, सोना कितना है, शादी के समय आपको स्त्री धन कितना मिला था, सबकी जांच, खेत कितना है, कहाँ है, बेटा कहाँ रहता है, सबकी जांच करने की घोषणा की है। और ये क्यों करना चाहते हैं मालूम है? वो कहेंगे इससे ज्यादा तुम नहीं रख सकते हो। अगर 10 एकड़ भूमि है तो 5 एकड़ भूमि कांग्रेस की सरकार को दे दो। अगर एक ट्रैक्टर है तो अब तुम ट्रैक्टर नहीं रख सकते हो, किसी के साथ भागीदारी करनी पड़ेगी। आपकी संपत्ति छीनकर कांग्रेस अपनी वोट बैंक में जिन्होंने वोट जिहाद की घोषणा की है उनको देने का उन्होंने प्लान बनाया हुआ है। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि देश की संपत्ति पर पहला हक माइनॉरिटी का, मतलब मुसलमान का है। मोदी कहता है देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मेरे दलित, मेरे आदिवासी, मेरे गरीब भाई बहनों का, माताओं बेटे बेटियों का है। साथियों, अब कांग्रेस की नजर, ये मैं गंभीर बात बता रहा हूं आपको, अब कांग्रेस की नजर दलितों, पिछड़ों, आदिवासी, ओबीसी, इनके आरक्षण पर डाका डालने का इरादा है। उनको गुस्सा है कि आज देश भर में सबसे ज्यादा आदिवासी एमएलए किसके? बीजेपी के। देश भर में सबसे आदिवासी एमपी किसके? बीजेपी के। देश भर में दलित एमपी किसके ज्यादा? बीजेपी के। राज्यों में दलित एमएलए किसके ज्यादा? बीजेपी के। कांग्रेस को गुस्सा है कि आदिवासी, ये दलित, ये ओबीसी बीजेपी का समर्थन करते हैं, अब उनको शिक्षा करने का उनका मन है। और वो इतने गुस्से में है कि आपको जो आरक्षण बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया है, आपको जो संविधान बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया है, उनकी पीठ में छुरा भोंक कर आपको जो रिजर्वेशन मिला है, आरक्षण मिला है, उसमें वो लूट करके मुसलमानों को धर्म के आधार पर डाका डाल के उनको देना चाहते हैं। क्या हम ऐसा करने देंगे? क्या इनको संविधान के ऊपर खिलवाड़ करने देंगे? क्या ये बिहार के आरजेडी के नेता, ये कांग्रेस के नेता माथे पर संविधान की किताब रख के नाच रहे हैं और संविधान के साथ धोखा कर रहे हैं? मैं बताता हूं कैसे करते हैं। अभी कर्नाटका में उन्होंने रातों रात एक फतवा निकाला, एक ऑर्डर निकाला, रातों रात थप्पा मार दिया। ऑर्डर क्या? कि कर्नाटका में, एक मिनट सुनिए सुनिए भाई, पहले जरा सुनिए, बाद में मोदी मोदी करिए, पहला ढंग से सुनिए, ये काम में आने वाली बात है, समझने वाली बात है। कर्नाटका में रातों रात उन्होंने एक फतवा निकाला, और फतवा क्या निकाला? कर्नाटका में जितने मुसलमान है, जितने, कितना ही पढ़ा लिखा क्यों न हो, कितना ही अमीर क्यों न हो, कितना ही बड़े घराने का क्यों न हो, बस वह मुसलमान है, तो उन्होंने फतवा निकाला
कि कर्नाटका के सारे मुसलमान ओबीसी है, रातों रात ओबीसी हो गए, और ओबीसी को जो 27% आरक्षण मिलता था, रातों रात उसकी लूट उनके खाते में चली गई। देश देखता रह गया, और ये पूरा मॉडल देश में लागू करना चाहते हैं, क्या ये करने देंगे क्या? ये हम करने देंगे क्या? और कांग्रेस वाले, जेएमएम वाले, आरजेडी वाले, कान खोल के सुन लो, जब तक मोदी जिंदा है, जब तक मोदी जिंदा है, तुम संविधान को हाथ नहीं लगा पाओगे। जब तक मोदी जिंदा है, तुम आदिवासियों का आरक्षण नहीं लूट पाओगे। जब तक मोदी जिंदा है, तुम दलितों के आरक्षण को लूट नहीं पाओगे। जब तक मोदी जिंदा है, तुम ओबीसी के आरक्षण को लूट नहीं पाओगे। भाइयों बहनों, मेरी आप सबको गारंटी है, भारतीय जनता पार्टी की गारंटी है, दुनिया की कोई ताकत हमारे संविधान को हाथ नहीं लगा सकती। बाबा साहब अंबेडकर ने जो आरक्षण दिया है, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता है। ये मोदी की गारंटी है। साथियों, मैं पिछले 10 दिन से कांग्रेस को 3 चुनौतियां देता हूं, और मैं उनको कहता हूं, तुम लिखित में देश को कहो, मैं तो खुलेआम आरोप करता हूं, तुम लिखित में देश को बताओ, कांग्रेस लिख करके दे कि वो एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण काटकर धर्म के आधार पर मुस्लिमों को नहीं देंगे, लिख करके दो, नहीं देते। लोकसभा कांग्रेस का कोई नेता इसका जवाब देने को तैयार नहीं है। आप मुझे बताइए, बाबा साहब ने आरक्षण का जो अधिकार आपको दिया है, क्या हम कांग्रेस को छीनने देंगे क्या? अगर मोदी आपके लिए लड़ना चाहता है, मरना चाहता है, तो मोदी को आशीर्वाद मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? भाइयों और बहनों, कांग्रेस, जेएमएम और उन सहयोगी अपने वोट बैंक के लिए कुछ भी कर रहे हैं। ये लोग झारखंड में घुसपैठियों को ठिकाना दे रहे हैं। एक घुसपैठिए हमारे आदिवासी भाई बहनों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। संथाल परगना जैसी जगहों पर इस घुसपैठ के कारण आदिवासियों की संख्या घट रही है। हमारी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। यही खेल इन लोगों ने बंगाल में खेला था। बंगाल के आदिवासी इलाकों में लोग घुसपैठियों को आतंक से जूझ रहे हैं, लोगों का जीवन सुरक्षित नहीं है। ऐसा ही यह हाल यहां झारखंड में बनाना चाहते हैं, लेकिन जेएमएम सरकार वोट बैंक की भूख में वोट पाने के लिए आंख मूंद कर ये पाप कर रही है। साथियों, 13 मई को आपका वोट झारखंड के विकास और सुरक्षा की गारंटी बनने वाला है।
आपका जो भरोसा मोदी पर है उसे आपको कमल का बटन दबाकर ये वोट मुझ तक पहुंचाना है, मोदी के खाते में जमा करवाना है। सिंहभूम से भाजपा प्रत्याशी बहन गीता कोड़ा और खूंटी से मेरे साथी अर्जुन मुंडा, उनको दिया आपका वोट मोदी को मजबूत करेगा। इनको मिला आपका वोट सीधा सीधा मोदी तक जाएगा। तो आप घर घर जाएंगे, घर घर जाएंगे, ज्यादा मतदान कराएंगे। मुझे सबसे जवाब चाहिए, घर घर जाएंगे, ज्यादा मतदान कराएंगे, सबसे ज्यादा वोटों से जिताएंगे, सब पोलिंग बूथ जिताएंगे। तो एक काम कीजिए, अपना मोबाइल फोन निकालिए और उसका फ्लैश लाइट चालू कीजिए। सबके सब अपना मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए। सबके सब अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू कीजिए। सबके मोबाइल की फ्लैश लाइट चले। मेरा एक काम करेंगे। देखिए, यहां से जाकर के परिवारों में जाना और कहना मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आपको जहार जोहार कहा है। मोदी का जोहार पहुंचाओगे घर घर में? हर घर में मेरा जोहार पहुंचाओगे? बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आदरणीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आदरणीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। इस बार अब की बार अब मैं बाराती नहीं बल्कि पूरे विश्व के सर्वमान्य नेता, हमारे आदिवासी गरीब, मैं